दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा होंगे। और स्वागत है मेरे अनिका कुक्स चैनल में। और आज हम बनाने चल रही हूँ राजमा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगता है, तो आप भी एक बार मेरे तरीके से बनाइए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम राजमा को रात भर फुला के और इसको अच्छे से धो दिया है, धो के पानी निकाल दिया। और निकालने के बाद से इसको मैंने कुकर में रख के और इसको अच्छे से बॉयल कर दिया, कम से कम 7-8 विसल्स आए उसके बाद से। और एक कढ़ाई रखा जिसमें तेल डालें और जिसमें 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी, 1 इंच लौंग, फ्लावर, इलायची, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, ये सबको ले लेना है। और लेने के बाद से इसको तेल में डाल देना है। उसके बाद से 1 कप के आसपास कटा हुआ प्याज डाल दिए और डालने के बाद से इसे अच्छे से भून देंगे और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल सकता है। और उसके बाद से हम देखिए, ये इतना अच्छा से इसका कलर ब्राउन हो गया है। तो इसमें हम 1 चम्मच के आसपास लहसुन और अदरक को हम कूट के डाले हैं। इसको पेस्ट नहीं बनाया है, ना ही पेस्ट डाले हैं मार्केट वाला। तो इसको कूट के डालना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है। तो ये भी भून के तैयार हो गया। और 1 कटोरी के आसपास हमने टमाटर का प्यूरो बना लिया था, लगभग 2-3 टमाटर का आप प्यूरो बना के और इसमें डालिए। और इसे भी अच्छे से कवर करके हम भून लिए। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे और जीरा 1/2 चम्मच और उसके बाद से हल्दी पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर और उसके बाद से लाल मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा खाना पसंद करें, उसके बाद से नमक, इसको भी अच्छे से डाल के और मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद से थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और डाल के इसको ढक के और मसाले को अच्छे से पकाएंगे। और उसके बाद से फिर इसको देखिए, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मसाला अच्छे से पक गया है और ये साइड साइड में तेल छोड़ने लगा है। तो ये मसाला को आपको ऐसे ही पकाना है कि तेल छोड़ दे। उसके बाद से जो बॉयल्ड राजमा है हमने इसमें डाल दिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा ही पानी मैंने डाला है। और उसके बाद से इसमें हम 1 चम्मच के आसपास गरम मसाला डाल दिए और उसके बाद से 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी, इसको हाथ में मैंने ग्रेस कर लिया था, और उसे भी डाल दिया। और जितना आपके पानी की ज़रूरत है उसे भी डाल दें। और डालने के बाद से इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद से इसको लगभग 10 मिनट के लिए ढक के और इसको पकने दें। लो टू हाई फ्लेम पे इसे पकाना है। अब देखिए, ये अच्छे से पक गया है। साइड साइड में आप देख रहे हैं, तेल भी साइड में आ गया है और ये अच्छे से, बहुत अच्छे से ये बन के राजमा रेडी हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा धनिया के पत्ता से गार्निश कर देंगे, क्योंकि धनिया के पत्ता से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसको एक कटोरा में देखिए मैंने सर्व कर लिया और थोड़ा सा धनिया के पत्ता से मैंने इसको गार्निश कर ली। तो ये मेरा राजमा बनके तैयार हो गया है और आप भी एक बार बनाइए और खाइए। और मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।